हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर साइंस क्लास एंड वी आर डूइंग अवर चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। दिस इज़ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। हम सेपरेशन मेथड के नेम्स पढ़े थे हमने कि बहुत सारे मेथड होते हैं जिसमें से हमने मैग्नेटिक मेथड एंड फिल्ट्रेशन को पढ़ लिया था। थर्ड इज़ सब्लिमेशन। देखिए, सब्लिमेशन होता क्या है, जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है या वेपर्स में चेंज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो यहाँ क्या होगा कि अगर कोई भी जो हमने सब्सटेंस अलग करना है, अगर उसमें से कोई ऐसा है जो सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करता है, सब्लिमेटरी है, जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में या वेपर में चेंज हो सकता है, तो उसको अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, द प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट सब्लिमेटरी पार्टिकल्स फ्रॉम नॉन सब्लिमेटरी पार्टिकल्स। तो यहाँ क्या है कि जो सब्लिमेटरी पार्टिकल्स है उसको हम नॉन सब्लिमेटरी, मतलब जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज नहीं होता, उसको अलग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टियाँ कौन सी डिफरेंस है, वही है, सब्लिमेशन ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट। मान लो हमने मिक्सचर लिया है जिसमें अमोनियम और साल्ट है, जब हम इसको यहाँ गर्म करेंगे, हॉट करेंगे इसको, तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड है, ये क्या है, सब्लिमेटरी है। तो ये जब वेपर बन के ऊपर जाएगा तो इसको कलेक्ट कर लेंगे और दूसरे बर्तन में या ड्रॉप से ये इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल देखिए इस तरह का सिस्टम होता है, इसमें क्या करते हैं, टू सेपरेट टू इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब क्या होता है, दो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में डिजोल्व ना होते हो, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हो, जैसे ऑयल एंड वाटर है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते ना, अलग अलग लेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पे किरोसिन ऑयल और वाटर को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ कौन सी की डेंसिटी में डिफरेंस होता है, ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी यूज़ की जाती है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ वाटर है, यहाँ किरोसिन ऑयल है, यहाँ पे नोब लगा है, इसको जब ओपन करेंगे तो वाटर यहाँ चला जाएगा, नीचे जाएगा, और नीचे हम किसी बर्तन में इसको इकट्ठा कर सकते हैं। और जब वाटर का लेवल यहाँ तक हो गया, वाटर निकल गया, ऑयल रह गया, तो हम इस नोब को बंद कर देंगे, वाटर यहाँ अलग बर्तन में आ जाता है, किरोसिन ऑयल इसमें रह जाता है। ठीक है, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी हमें ज़रूर ध्यान रखनी है कि हम कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं उनको डिफरेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, आपको पता है इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड का उसके गैसेस फॉर्म में चेंज होना। ठीक है, तो फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड ए वोलेटाइल। वोलेटाइल कौन से होते हैं, वही होते हैं जो इवेपोरेट होकर उड़ जाते हैं, उनको बोलते हैं वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल कौन से होते हैं, जो इवेपोरेट होके नहीं जाते हैं। तो हम साल्ट फ्रॉम सी वाटर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अलग करने के लिए। कैसे किया जाता है, समुद्री पानी को इकट्ठा किया जाता है क्यारियाँ बना बना के, और वो पानी है सनलाइट से उड़ जाता है और पीछे क्या रह जाता है, साल्ट रह जाता है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कूलिंग ए हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। देखिए, क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन लगभग एक जैसे हैं। डिफरेंस क्या है कि इवेपोरेशन में जब हम मान लो किसी चीज़ को, पानी और नमक को हमें घर में भी अगर अलग करना है और हम उसको गर्म करते हैं, तो पानी के साथ हो सकता है इम्प्योरिटीज़ पीछे रह जाएँ, ठीक है, या फिर जो साल्ट हमें अलग करना था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, क्रिस्टलाइजेशन में हमें किसी भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म मिलती है, जो पानी या कोई भी लिक्विड जो इवेपोरेट होता है उसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी चली जाती हैं, और जो पीछे हमें क्रिस्टल्स मिलेंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल प्योर फॉर्म में होंगे। ठीक है, इससे हमें प्योर सॉलिड मिलता है। एग्जाम्पल इसका भी वही है, साल्ट फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, किसी सॉल्यूशन को गर्म किया जाता है और फिर उसको कूल होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वो कूल होता है तो एक सब्सटेंस इवेपोरेट हो जाता है और एक का सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज यही है कि इवेपोरेशन के ऊपर इसके एडवांटेज यही है कि इसमें हमें प्योर सब्सटेंस मिलता है, उसमें इम्प्योरिटीज साथ रह सकती हैं, या फिर हो सकता है जो सब्सटेंस हमें लेना हो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, हमें प्योर सब्सटेंस मिलता है।
और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन में देखिए वो होता है जब दो मिसिबल लिक्विड, मिसिबल मतलब जो एक दूसरे में डिसॉल्व होते हों, उनको अलग करने के लिए, जब दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स एक दूसरे में मिसिबल हों तो उनको अलग करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ की जाती है वो क्या है? डिस्टिलेशन। और इसमें जो प्रॉपर्टी क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जो हमें सब्सटेंस जो दो लिक्विड्स या दो से ज़्यादा लिक्विड्स हमें अलग करने हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका एसीटोन एंड वाटर। देखिए यहाँ पर एक फ्लास्क है जिसमें एसीटोन और वाटर मिक्स है, ठीक है, एसीटोन प्लस वाटर। अब हमें पता है एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 56 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। जब इसको हॉट करेंगे, ठीक है, इसको जब गर्म करेंगे, यहाँ कोल्ड कूलिंग सब्सटेंस होता है इसको अलग करने के लिए, ठीक है, तो इसको जब गर्म करेंगे तो जैसे ही 56 डिग्री टेम्परेचर होगा तो एसीटोन तो बॉइलिंग पॉइंट पहुंच गया ना, तो वो क्या करेगा, इवेपोरेट होकर यहाँ से जाना स्टार्ट कर देगा और इस पाइप में से यहाँ कूलिंग वाटर है जो इसको कूल करेगा, कूल होकर ये फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो 56 डिग्री सेल्सियस पे ये इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको अलग बर्तन में हम इस तरह से इकट्ठे कर लेंगे और वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी की प्रोसेस करेंगे हम।